दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। अयोध्या में राम मंदिर बनता देख पाकिस्तानी एंकर और लाल टॉपिक की खुली सलवार। बट ये लाल टॉपिक को लास्ट समय जब उसने कौन सा ये हमारा चंद्रयान 3 उस समय कुछ बहुत ज्यादा बोल दिया था, तो इतना लाल टॉपिक का बदनामी की यूट्यूबर सबने मिलके उसकी टोपी चेंज हो चुकी है। अब लाल नहीं, अब ब्लैक पहन रहे हैं। अब वो लाल टोपी पहनने को आपको दिखेगा भी नहीं। हाँ। तो उसको भी भारत के साथ पंगा लेने का सबक मिल चुका है। कोई नहीं, चले दोस्तों पहले वीडियो देखते, आशा करते हैं आपको पसंद जरूर आएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर से कर दीजिएगा और हमारे चैनल पर पहली बार आए और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडिया के हवाले से एक इम्पोर्टेंट डेट आपको बतानी है, वो है 22 जनवरी। अच्छा, आज से या तकरीबन आज हम प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये 10-11 जनवरी है और 10 दिन के बाद, तकरीबन 10-11 दिन के बाद अयोध्या में इन्होंने जो बाबरी मस्जिद शहीद की थी उसकी जगह पर ये राम मंदिर का इफ्तिताह करने जा रहे हैं और ये इनके लिए एक बहुत बड़ा इवेंट है। 500 वर्षों का इंतजार समाप्त होने जा रहा है। जय जय श्री राम। तो नरेंद्र मोदी के लिए कॉम्पिटिशन है, अभी उसके मुकाबले पे योगी बड़ा स्ट्रांग कैंडिडेट है। नरेंद्र मोदी खुद यहां पर आ रहा है, पूरे भारत से करोड़ों लोगों को दावत है वहां पे आने की, हिंदू हर तरफ से यहां जमा हो रहे हैं और एक पागलपने का माहौल है इस वक्त भारत के अंदर। ये एक सिंबॉलिक इवेंट होगा अयोध्या में इनका मंदिर बनना और उसका इफ्तिताह होना। राम मंदिर की बड़े पैमाने पर इफ्तिताही तकरीब का मकसद इंतखाबात से पहले मजहबी और पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात को उभार कर वोट लेने के सिवा, वोट बटोरने के सिवा और कुछ भी नहीं है। इसमें कुछ भी हो सकता है, इस इवेंट को ये इस्तेमाल करके, इसके अंदर कोई धमाका करवा के या फॉल्स फ्लैग अटैक करवा कर ये जवाज क्रिएट कर सकते हैं कि ये पाकिस्तान ने करवाया लिहाजा हमने पाकिस्तान पर हमला करना है। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों 22 जनवरी का इंतजार दुनिया भर में रह रहे करोड़ों भारतीयों को है। क्या होगा उस दिन का माहौल और जो वाइब्स अभी से ही आ रहा है ना एटमोस्फेयर में श्री राम लला के इंतजार में, वो शब्दों से बयां कर पाना बड़ा ही मुश्किल है। इतना आसान नहीं है शब्दों से बयां कर पाना कि जो माहौल बना हुआ है और जो फीलिंग आ रही है अभी से, वो अपने आप में एक अलग ही टाइप का है। उसके ऊपर कोई शब्द नहीं है जो मैं यहाँ पे बोल सकूँ। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान की भयंकर फटी हुई है और एक मैंने लाइन बनाया है पाकिस्तान के लिए। अयोध्या में आ रहे हैं श्री राम लला, अयोध्या में आ रहे हैं श्री राम लला, ना तीर चलेगी ना तलवार, लेकिन फटी पड़ी है पाकिस्तान की सलवार, या फटी पड़ी है पाकिस्तान की, फटी पड़ी है लाल टोपी की सलवार, ऐसा भी बोल सकते हैं आप। सो आगे बढ़ते हैं वीडियो में दोस्तों और एंजॉय करते हैं इस वीडियो को। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो आप सबको मैं और पाकिस्तानियों को रिएक्शन आप सभी को मैं दिखाता रहूं। आइए वीडियो को पूरा देखें, बहुत मजा आएगा। नरेंद्र मोदी को भी जंग चाहिए और खून चाहिए। अच्छा, ये समझ रहे हैं लोग कि नरेंद्र मोदी अगला वजीर आजम है। ये फैसला अभी नहीं हुआ, ये फैसला मोहन भगवत करेगा जो RSS का हेड है। तो नरेंद्र मोदी के लिए कॉम्पिटिशन है अभी, उसके मुकाबले पे योगी बड़ा स्ट्रांग कैंडिडेट है, उत्तर प्रदेश का जो चीफ मिनिस्टर है। सो अब इन दोनों को अपनी कार्रवाई दिखानी है, योगी को भी और मोदी को भी, कि मोहन भगवत किससे ज्यादा राजी होता है कि उसको अगले इलेक्शन के बाद वजीर आजम के लिए नामजद करें। इस बात का बहुत रियल चांस है, बहुत ज्यादा, यानी इस बात को पाकिस्तान में अब सेंस किया जा रहा है। मेरा ख्याल है कल एक प्राइम मिनिस्टर काकड़ ने भी अपनी तकरीर में ये बात कही थी कि अगर भारत ने इलेक्शन जीतने के चक्कर में कोई पाकिस्तान के खिलाफ ड्रामा किया तो हम जवाब देंगे। ये रियलाइजेशन अब पाकिस्तान में भी आ चुकी है, इतने महीनों से जो हम बार बार शोर कर रहे थे और इंडिया की जंगी तैयारियां बता रहे थे, तो अब पहली दफा, अब जबकि इलेक्शन बिल्कुल अब इंडिया का 2-3 महीने दूर रह गया है, एक रियलाइजेशन अब पाकिस्तान में आई है कि वाकई ये बात सच है, ये हो सकता है। और उसकी इंडिकेशंस और भी हैं कि अभी पिछले हफ्ते इंडियन एयरफोर्स ने और इंडियन कमांडोज ने, इंडियन आर्मी ने एक एक्सरसाइज की है लद्दाख में, एक C-130 तैयारे के जरिए ये आए हैं और रात के घुप अंधेरे में इन्होंने लद्दाख के एयरपोर्ट के ऊपर एक लैंडिंग की है और उसमें से कमांडोज उतरे और उन्होंने आके एयरपोर्ट को कब्जा किया। ये पूरी एक्सरसाइज की है इन्होंने लद्दाख के एयरपोर्ट के ऊपर, मगर उनको लद्दाख पे एक्सरसाइज करने की क्या जरूरत है कि घुप अंधेरे के अंदर आधी रात को उतरे, इस तरह जिस तरह आप किसी दुश्मन मुल्क के एयरपोर्ट पर कब्जा कर रहे हैं। वो एक्सरसाइज उन्होंने लद्दाख के लिए नहीं की थी, स्कर्दू के लिए की थी, क्योंकि स्कर्दू का एयरपोर्ट पहले हमारा एयरफोर्स का एयरबेस था तो वहां पर सिक्योरिटी हाई लेवल की होती थी। लेकिन कुछ अरसा पहले इमरान हुकूमत में इसको
डाउनग्रेड करके इन्होंने इंटरनेशनल एयरपोर्ट का स्टेटस दे दिया और उसको फाइटर फॉरवर्ड एयरबेस से हटा लिया था, और अब वो एक सिविलियन एयरबेस है, उसका सिविलियन एयरपोर्ट है। इसका मतलब है कि जब उस पर फ्लाइट नहीं है तो वो खामोश होता है, लोग सो रहे होते हैं, वहां कोई भी नहीं होता, और रात के वक्त तो कोई फ्लाइट जाती ही नहीं है वहां पर। इस बात को इंडियंस ने नोट कर लिया और इंडियंस ये प्लान कर रहे हैं कि जब वो पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो अपना C-130 रात के वक्त भेजेंगे जो स्कर्दू पे लैंड करेगा, और उनको यकीन है कि वहां कोई डिफेंस है ही नहीं क्योंकि अब वो सिविलियन एयरपोर्ट है और ज्यादा से ज्यादा वहां पे दो चौकीदार होंगे खाली, तो ये इनका पूरा C-130 अंधेरे में लैंड करेगा, जाके स्कर्दू कैप्चर कर लेंगे ये, और उसके बाद उनके पूरे पीछे से ट्रुप्स और आएंगे और आके ये पूरे स्कर्दू पे कब्जा कर लेंगे। ये प्लानिंग ये पिछले तकरीबन 10-12 दिन पहले इन्होंने की है लद्दाख के एयरपोर्ट के ऊपर, तो पाकिस्तानियों के लिए ये हम रेड फ्लैग रेज कर चुके हैं ऑलरेडी। पूरी पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट है, कौम है हमारी, हमारे सोशल मीडिया पे हम ये बात अच्छी तरह डाल चुके हैं, एक्सप्लेन कर चुके हैं कि इंडियंस का प्लान स्कर्दू कैप्चर करने का है और इंडियंस आने वाले हैं स्कर्दू कैप्चर करने के लिए। उसकी इन्होंने लाइव ड्रेस रिहर्सल कर ली है लद्दाख एयरपोर्ट के ऊपर, और हमें अपने स्कर्दू एयरपोर्ट के डिफेंसेस को ठीक करना है फौरी तौर पर, क्योंकि इस वक्त वो जो सिविलियन एयरपोर्ट का मिजाज है वहां पे, कि रात को वहां बिल्कुल वीरानी होती है और हुक आलम होता है और कुत्ते सो रहे होते हैं, इसको इंडियंस आसानी से कैप्चर कर लेंगे। इंडियंस ने हमारी ये कमजोरी देख ली है, लिहाजा इसको हमें फौरी तौर पर अपनी उस कमजोरी को ठीक करने की जरूरत है, वरना स्कर्दू हमारे हाथ से चला जाएगा, अल्लाह ना करे। सो इंडिया का जहां तक ताल्लुक है, हमने आपको बताया कि ये सूरत हाल अब इंडिया की तरफ से बिल्ड है। किसी भी वक्त वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। इलेक्शन जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, हम खतरनाक टाइम में दाखिल हो रहे हैं, अगले 3-4 महीने बहुत ही क्रिटिकल होंगे। इसीलिए आप देख रहे हैं कि अफगानिस्तान की जानिब से दहशतगर्दी में बहुत ज्यादा इजाफा हो गया। इसीलिए आप देख रहे हैं कि मारंग बलोच जैसी इंसर्जेंसीज को सपोर्ट करने वाली मूवमेंट्स ज्यादा बिल्ड करने लगी हैं पाकिस्तान के अंदर अचानक। ये सारा मकसद ही यही है कि एक क्योस और अनार्की बर्पा की जाए। इंटीरियर सिंध में अचानक ये जो डाकू है सो कॉल्ड, वो नीचे से सिंध से आने वाले ट्रकों को जो नॉर्थ में जा रहे हैं उनको इंटीरियर सिंध के अंदर रात के वक्त इनको लूटना शुरू हो गए। ट्रक नहीं लूट रहे, वो ट्रकों को तबाह कर रहे हैं, वो ट्रक ड्राइवरों को अगवा कर रहे हैं, उन्हें कत्ल कर रहे हैं, उनसे उनके टॉर्चर की वीडियोस निकाल रहे हैं ताकि दुनिया को यह बताया जाए कि ये इस इलाके पे, इस सफर पे सफर करना खतरनाक है, यहां ट्रैवल ना करें। जो सप्लाई चेन है सिंध से लेकर हमारी हमारी बंदरगाहों से लेकर पूरे पाकिस्तान तक, उसको डिसरप्ट किया जाए। ये लो इंटेंसिटी वॉर है, हर जगह छोटे छोटे हमले करके पूरी रियासत को शल करने वाली बात है, रियासत को मफलूज करने वाली बात। आपके सिंध से आपकी पूरी नेशनल हाईवे को बंद कर दिया जाए, टीटीपी आपके पूरे एयरबेसिस के, वो तो एयरपोर्ट्स के ऊपर भी हमले करते हैं, वो तो हमारे मिलिट्री हेडक्वार्टर्स के ऊपर भी हमले करते हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी एम्बुश करे बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में, कि आपकी वहां ट्रैवलिंग बंद हो जाए। आप जब इस तरह छोटे छोटे हमले करके पूरे मुल्क को जाम कर देते हैं, तो फिर मुसल्ला अफवाज के लिए मुल्क के अंदर मूव करना भी मुश्किल है और बाहर से आने वाले हमले को रोकना भी मुश्किल होता है। सो पाकिस्तान के अंदर हालात, क्योंकि इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर वैसे ही इस वक्त टेम्परेचर बहुत ज्यादा है इलेक्शंस की वजह से, इस वक्त टेंशन है, फ्रिक्शन है, सियासी जमातें गुत्थम गुत्था हैं आपस में, खासतौर पर तहरीक इंसाफ एक बड़ी जमात है लेकिन मुकम्मल तौर पर मुक्तिबानी बन चुकी है इस वक्त। और इंडिया हमारी ये कमजोरी देख चुका है, जैसे कहा कि दुश्मन आपकी हर कमजोरी देखता है, वो आपकी माशी कमजोरी भी देखता है, वो आपकी सप्लाई चेन भी देखता है, वो ये देखता है कि आपके कौन कौन से डिफेंसेज हैं, एयरबेसिस हैं, या आपके कौन कौन से फ्रंट्स हैं जहां पे आपका डिफेंस कमजोर है, जहां से वो आ सकता है, पेनिट्रेट कर सकता है। पॉलिटिकली पाकिस्तानी लीडरशिप तो मुसलमान दुनिया में कहीं नजर ही नहीं आ रही। अगर कोई डिप्लोमेसी हो भी रही है हमारी जानिब से, तो वो मिलिट्री डिप्लोमेसी है, आर्मी कर रही है पिछले 1-1.5 साल से, और अभी तक हर हफ्ते वो इतनी खौफनाक एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, कभी कोर लेवल पर, कभी डिव लेवल पर, कभी ब्रिगेड लेवल के ऊपर, कभी डीप इंसर्शन एक्सरसाइज हैं कि पाकिस्तान के अंदर किस तरह, कभी रिवर क्रॉसिंग एक्सरसाइज हो रही है, कभी एम्फीबियस लैंडिंग की एक्सरसाइज हो रही है, कभी जंगल वॉरफेयर है, कभी कभी पैराड्रॉप हो रहा है बिहाइंड एनिमी लाइन, जैसे कहा कि वो C-130 लैंड कराया उन्होंने हॉस्टाइल एयरपोर्ट कैप्चर करने के लिए। मतलब द लेवल ऑफ एक्सरसाइजेस दे आर डूइंग, ये हवा में नहीं हो रही है। अरबों डॉलर तो ये सिर्फ फ्यूल और पेट्रोल और डीजल पे खर्च कर चुके हैं, अपना अपने जहाजों मेंटेनेंस के ऊपर खर्च कर चुके हैं पिछले 1-1.5 साल में, किस लिए कर रहे हैं ये सब? जाहिर है कि इनको एक ऑब्जेक्टिव दिया गया है। दोस्तों ये था आज का वीडियो, और देखिए मामला काफी सेंसिटिव है और इसको लेके जो सिक्योरिटी है वो भी काफी टाइट है, और हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से वाकई में ऐसी कोई घटना ना हो जिससे आप समझ सकते हैं कि फिर क्या हो सकता है। तो इस चीज़ का भी काफ़ी ध्यान रखना है, थोड़ा हमें ठंड भी रखना है, क्योंकि अगर ऐसा कोई भी घटना सामने आ जाता है तो हमें
अपने आप को कंट्रोल में रखना है, इसका ध्यान खास करके आप सभी रखें। और फेक न्यूज़ भी हो सकता है कि आगे आने वाले कुछ हफ्तों के बाद, एक हफ्ते के बाद कई सारे फेक न्यूज़ भी आपको देखने को मिल सकते हैं तो सोशल मीडियाज़ पे, तो इन सब का भी खास ख्याल रखें। किसी भी अफवाह पर आप सब विश्वास ना करें, ये हमारी जिम्मेदारी है, इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। तो वीडियो को आगे तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें, जय हिंद। सो थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और ये जो डॉक्टर साहिबा बोल रही थी, और ये जो लाल टोपी अब उसका ब्लैक टोपी हो चुका है, मैंने जैसे बोला था वैसे ही ना, आप लोग आपका मुंह बंद रखो तो बेहतर है आपके ये लिए। फीजा को तो कुछ बोलना ही नहीं है, क्यों नहीं चलो फीजा मोदी जी को बोल रहे हैं कि भाई वोट के लिए करे भाई, वो जो भी करे भाई, हमारा कंट्री वो जो भी करे, हमें आपको क्या लेना देना इन सारी चीजों से। और ये ब्लैक टोपी भाई मस्जिद शहीद नहीं की है किसी ने, हिस्ट्री उठा के देख, अदरज मेरे मुंह से कुछ और निकलेगा तेरे लिए, लिमिट बाहर में जाऊंगा सोशल मीडिया में, कभी मेरे को नहीं ठीक है कि मैं उतना लिमिट के बाहर जाऊं, क्योंकि मेरे को भी मेरे संस्कार जो है ना सामने आ जाते हैं, अदरज मैं कुछ बोल दूंगा इसको। हिस्ट्री पढ़ ले, तेरी औकात नहीं है तू मीडिया में पाकिस्तान में बैठ के ब्लैक टोपी। और आप लोग क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्या देर को क्या लेना देना भाई, आपको डिस्कस करने का हक ही नहीं। ये लाल टोपी को क्या लेना देना, तू एक घटिया इंसान है तो वही रहे, ठीक है। तेरे को हर एक चीज में, इंडिया के हर एक चीज में और इंडियन व्यूअरशिप पाने के लिए जो कुछ भी उठा के आके बोल रहा है ना, मुंह बंद रख। मैं तो यही बोलूंगा, इस ब्लैक टॉपिक को मत लिया करो। जो ये चैनल से हमने वीडियो लिया उसको भी रिक्वेस्ट करेंगे, इन ब्लैक टॉपिक को मत लाया करो। फिजा खान वहां तक ठीक है, क्योंकि वो पॉलिटिकल बयान देती है और पॉलिटिकल न्यूज होता है उसका, चलो पॉलिटिकल्स के लिए तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप बोलो ठीक है। पॉलिटिकल्स ऊपर आरोप प्रति आरोप लगते रहते हैं, ठीक है, क्योंकि उसका काम ही ऐसा है, तो हम उसमें ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। लेकिन ये जो ब्लैक टोपी है ना, उसको मत लाया करो, उसके बाद मेरे को बहुत गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है। ये बहुत नेगेटिव बातें करता है बंदा, उसको देखो हमारे देश के जो मुसलमान है, जितने भी मुसलमान हैं उन सब लोगों ने एक्सेप्ट किया है, और ये पूरा सब है ना भाई सुप्रीम कोर्ट का चुकादा है। यहाँ पे किसी को कोई नुकसान भी नहीं हुआ दिया, एक 500 साल से प्रॉब्लम चली आ रही थी, उसमें जो भी पहले कुछ हुआ है ठीक है, उसको भुला के दोनों पार्टी ने सहमति दी है, उन सहमति से सब कुछ हुआ है। और वहां पे भगवान राम का जो मंदिर था उसके सभी पुरावे मिले, उस पुरावे के आधार पे ही सुप्रीम कोर्ट ने उसका निर्णय लिया। जब ये मतलब खुदाई हुई तब भी बहुत सारे पुरावे मिले, बिल्कुल, और किसी को प्रॉब्लम नहीं है। अरे ये ब्लैक टोपी मुस्लिम समाज भी वहां पे आएगा, ठीक है। और ये जो मंदिर है ना, सिर्फ सरकार नहीं बना रही है, वो पूरे भारत देश के सभी हिंदू भाई बहन सब लोगों ने उसमें पैसे दिए, पैसे का मतलब उसको आपके वहां पे क्या दान दिए, हमारे यहाँ पे ऐसा बोला जाता है, ठीक है। तो इसीलिए सब कुछ हो रहा है। और हमारे जो और अयोध्या में वैसे भी डेवलपिंग होगा, और वहां पे मुस्लिम समाज को भी जमीन दी गई है, उसके लिए मुस्लिम समाज काम करेगा, वो फंड इकट्ठा करेगा और बनाएंगे। अब और हमने तो वहां तक सुना है कि वो जब मस्जिद बनने वाले उसमें भी हिंदू लोग भी फंडिंग कर, बहुत सारे लोगों ने किया है भाई, बहुत सारे लोगों ने फंडिंग की। और वहां पे अयोध्या राम मंदिर में जब ये सब जब लोग वहां पे जाएंगे तो कुछ ना कुछ वहां पे फंड करके आएंगे, आएंगे लिख के ले लो मेरे से, ठीक है, लिख के ले लो। क्योंकि मुस्लिम समाज ने भी राम मंदिर में फंडिंग दी है, जो जिसकी जितनी अथा शक्ति जिसको बोलते हैं, जो जितना दे सकते, सूत्र है विविधता में एकता, मतलब सब लोग सब धर्म, ये है ना, ये ब्लैक टोपी नहीं, ये ब्लैक टोपी हमारी जो एकता, ये ब्लैक टोपी कोई कई, और उसके अलावा भी कई सारे पाकिस्तानी हैं जो सिर्फ और सिर्फ हमारी जो एकता है ना, उस एकता में वो विघ्न डालना चाहते, उस एकता को तोड़ना चाहता है। और मैंने उस यही अभी तो ये ब्लैक टोपी है, उसके पहले ये लाल टोपी था जब ये मंगल वाला, तभी भी हमने तभी बहुत सपोर्ट दिया हमारे यूट्यूबरों ने, इसकी अच्छे से बैंड बजाई थी, और बजाओ इसकी, इसकी मतलब दोबारा यूट्यूब में ना दिखे ऐसी बैंड बजाओ, ये भी प्रोग्राम करने लगा, बिल्कुल उसको पता चल गया कि भाई इंडियन व्यूअरशिप में कितनी ताकत है, इसलिए ठीक है। हम दो तीन चैनल को, पाकिस्तान के दो तीन चैनलों से हम वीडियो लाते हैं, ठीक है, तो उसका मतलब ये नहीं हम सभी को अब उठा के ले आएंगे मुंह धो के, ठीक है। अब इसका मैं मेरे हिसाब से हम ही निर्णय लेते हैं कि जहां पे ब्लैक टॉपिक दिखे ना उस वीडियो को नहीं लेना है, इग्नोर कर देते हैं, बॉयकॉट ब्लैक टॉपिक और रेड लाल टॉपिक, रेड टॉपिक इसको खत्म करो। ये कभी उसके मुंह से अच्छी सी
उसने हर एक वीडियो में उसके लिए भारत के खिलाफ सारी चीजें गलत ही निकलेगी, ठीक है, क्योंकि उसकी आवाम को भी वो बेवकूफ समझ रहा है, हमें भी बेवकूफ वो समझ, खुद है बेवकूफ। आपने देखा वो हुआ था क्या ये इसराइल और हमास का, तो ये बंदा वो कुछ राइफल लेके निकल गया था, बिल्कुल प्रैक्टिस कर रहा था उसको उस समय भी मैंने कहा इसको भेजो, इसको जल्द ही जल्द से जल्द भेजो वहां पे दिखावा कर रहा था, ताकि एक दुनिया से एक मतलब एक बोझ है ना वो खत्म हो जाए उसका। बाकी दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी, कुछ अभद्र भाषा का प्रयोग हुआ हो इस वीडियो में और आपको कुछ गलत लगा तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं, लेकिन इनको जवाब देना मेरे को जरूरी लगा, क्योंकि उसकी में उसके मुंह से कभी मैंने अच्छी बातें नहीं सुनी ना कभी। देखो इसमें भी एक बात गौर करने की है कि ना कभी पाकिस्तान के लिए अच्छी बात ना कभी भारत के लिए अच्छी, मतलब ये बंदा पूरा नेगेटिव है। यदि पाकिस्तान के लिए भी अच्छी बात की होती तो समझ में आता, इसको इस्लाम धर्म का लीडर बनना है ऐसे बंदे को, ठीक है। तो मैं तो बोलूंगा पाकिस्तान वाले भी इसको लात मार रहे हैं, मैंने आप जाके उसकी वीडियो देखो, पाकिस्तान वाले ही इसको गाली दे रहे, तो हम क्यों इसको ला रहे हैं भाई। बाकी दोस्तों वीडियो यहाँ पे समाप्त करेंगे, आपसे विदाई लेंगे, मिलेंगे और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद जय भारत।